Invisible Man, Chapter 13. Mr. Marvel discusses his resignation. फिर क्या होता है जब शाम होती है तो आईपिंग जो है अपना जो भी डैमेज हुआ होता है उससे कोप अप करने की कोशिश कर रहा होता है और मिस्टर मार्वल जो होता है वो बहुत ही मुश्किल से वो जो इतना सारा वेट होता है जितने वो सामान लेकर आए होते हैं वो सब अपने ऊपर क्या कर रहा होता है कैरी किया होता है. वो बहुत थका हुआ लग रहा होता है और वो बहुत पेन शो कर रहा होता है. जैसे ही इनविजिबल मैन उसका हाथ टच करता है तो वो उसको बताता है कि भाई मुझे कितना दर्द हो रहा है सबसे. तो इनविजिबल मैन उसको डराने की कोशिश करता है तो वो उसको कहता है कि मेरे मेरे ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं. यहाँ पे एक वर्ड है ब्रूसेस. ब्रूस मतलब कि जब आपको कहीं से लग जाती है ना तो वहाँ चोट उसको ब्रूस कहते हैं सिंपल. तो फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही जगह पे ऑलरेडी लगी हुई. तो इनविजिबल मैन कहता है ये इससे भी वर्स हो सकता है, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ. तो मिस्टर मार्वल जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, कह रही मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस यही बता रहा हूँ कि मैं बड़ा हैरान हूँ इस सबसे. तो इनविजिबल मैन जो है ना गुस्से से फ्रस्ट्रेट होके कहता है कि मैं मतलब कि उसको बहुत बुरा लगता है कि मतलब कि मैं कैसे वैसे फूल्स को अपना सीक्रेट बता रहा हूँ. मिस्टर मार्वल कहता है कि वो बहुत ही बेकार टूल है इनविजिबल मैन के लिए तो उसे कोई और ढूंढ लेना चाहिए. तो इतने में इनविजिबल मैन फिर से गुस्सा होने लग जाता है, उस पर चिल्ला पड़ता है. अब इनविजिबल मैन को एक्चुअली ये चिंता हो रही होती है कि अगर ये सब पेपर्स में आ गया तो सबके सबको पता चल जाएगा उसके बारे में और हर कोई गार्ड पे होगा, मतलब कि हर कोई जो है चौकन्ना होगा. मिस्टर मार्वल सोचता है, विश करता है, बोलता है कि काश मैं मर ही जाता. तो इनविजिबल मैन कहता है कि अच्छा आप तो मरने की इच्छा रखते हो, इसका मतलब मुझे पूरा राइट है तुम्हें यूज़ करने का, राइट? तो मिस्टर मार्वल बार बार उसको यही कहता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, प्लीज़ कोई दूसरा टूल ढूंढ लो. पर इनविजिबल मैन उसको डराता है और वो बेचारा बहुत दुखी होता है. तो बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. दैट्स ऑल.